अस्सलाम वालेकुम शेख वालेकुम अस्सलाम। जी। शेख मेरा सवाल था कि अगर जैसे बीवी ने गुस्से में खुला बोल दिया और फिर 5-10 मिनट बाद वो बोली कि नहीं वो तो गुस्से में थे तो अभी कुछ ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमारी शरीयत ने मर्द को तलाक देने का हक दिया है कि अगर वो बीवी से जुदा होना चाहे तो तलाक दे दे, इसी जी तरह से शरीयत ने अदल करते हुए औरत को भी यह हक दिया है कि अगर वो किसी वजह से, माकूल वजह से अपने शोहर से अलग होना चाहती है तो खुला का मुतालबा कर सकती है। जी लेकिन जी दोनों के प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? कई एक फुरूक हैं, लेकिन यहां पे जो जानना आपके लिए जरूरी है वो ये कि अगर शौहर ने बीवी को तलाक बोला तो यहां पर बीवी की रजामंदी का कोई दखल नहीं है कि बीवी कहेगी हां मैंने आपका तलाक कबूल किया तब तलाक होगी। नहीं, जी शौहर ने तलाक बोला, तलाक हो गई, ठीक हो गई है। जी सर। उसके बाद बीवी इद्दत गुजारेगी और उससे शौहर से फिर जुदा हो जाएगी। लेकिन खुला में थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। खुला में बीवी शौहर से मुतालबा करेगी कि मुझे खुला चाहिए आपसे। देखिए, तलाक में वो मुतालबा नहीं कर रहा है कि भाई आप क्या राजी हो, मैं तलाक देना चाहता हूं आपको। जी नहीं, बीवी मुतालबा करेगी कि मुझे आपसे खुला चाहिए। अब शौहर की रजामंदी यहां पर जरूरी है कि वो कहे कि हां मैंने तुम्हें खुला दिया, मैंने तुम्हें तलाक दिया। और एक फर्क ये भी है कि खुला में बीवी को खुला के बदले में कुछ माल देना है शौहर को, क्योंकि खुला का मुतालबा वो कर रही है, उसे कुछ माल जी खर्च करना पड़ेगा और शौहर को उस पर रजामंदी जाहिर करनी होगी और बाकायदा खुला देना होगा, तब वो खुला होगा। सिर्फ बीवी के बोल देने से कि मैंने तुम्हें खुला दिया, खुला नहीं हुआ। दोनों की रजामंदी जरूरी है, तरफैन की रजामंदी खुला के अंदर। उसकी वजह जी यह सर है, उसकी वजह यह है कि वो तमाम मुआमलात जिनमें एवज होता है, एवज बोले तो मतलब जिसमें कोई माल खर्च किया जाता है, लेन देन होता है, वो तमाम मुआमलात जिनमें माल का लेन देन होता है उसमें तरफैन की रजामंदी जरूरी होती है। क्योंकि जब लेन देन हो रहा है तो आप कितना दोगे भाई, सामने वाले का भी राजी होना जरूरी है। तो खुला में चूंकि माल का लेन देन होता है इसलिए तरफैन की रजामंदी जरूरी है, एक वजह तो ये है। दूसरी जी हिकमत इसकी ये है कि अगर बीवी को ये अख्तियार दे दिया जाए शौहर की तरह से कि भाई जैसे ही आपने खुला बोला वैसे ही दोनों के दरमियान जुदाई हो गई। देखिए अरशद भाई हंस रहे हैं, तो दुनिया के अंदर हो सकता है 99.99% जो है शादियों का अंजाम खुला होगा, जुदाई होगी। जी तो ये बिल्कुल हमारी शरीयत की एक बहुत बड़ी हिकमत है कि तलाक के मसले को तो मुकम्मल शौहर के हाथ में रखा लेकिन खुला के मसले में इतना टाइम दिया कि दोनों आदमी दोनों बैठ करके आपस में जो है उसमें तफाहुम कर लें और मामले को हो सकता है मामला सुलझ जाए, या थोड़ी देर बाद बीवी का गुस्सा ठंडा हो तो ऑटोमेटिक है कि नहीं, अब मुझे खुला नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो ये दोनों में फर्क है। तो अगर किसी बीवी ने अपने शौहर को खुला बोला तो उससे जुदाई नहीं होगी, शौहर का राजी होना और रिस्पॉन्स करना ये जरूरी है। जी सर, इसमें ये था कि उन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है आपकी जैसी मर्जी है ना, और फिर 10 मिनट बाद वो बोले नहीं मैं मतलब गलती हो गई ये, तो उसमें से एक माना जाएगा खुला। नहीं, जैसी मर्जी है कि आपका क्या मतलब था जैसी मर्जी? जैसे एक होता है जैसी कि मर्जी है भाई मतलब जी, जाओ मैंने दिया आपको खुला, नहीं ऐसे नहीं, मतलब आपकी इच्छा है खुला लेने की तो जैसी आपकी सुनो मर्जी है थे। देखिए, खुला में औरत ने कहा मुझे खुला चाहिए, जाहिर है खुला का एक प्रोसेस है कि खुला चाहिए तो ठीक है आओ बैठते हैं बात करते हैं। जी मुझे मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। बीवी कह रही नहीं, 75,000 मैं दे सकती हूँ। बात जो जी है इस तरह होते होते तय हो गई किसी मबलग पर, किसी माल पर। जी अब जो है
अब माल तय हो गया, उसके बाद शोहर कहेगा कि हाँ अब चलो मैंने आपको खुला दिया इतने माल पर, आपकी बात को मैंने कबूल किया, अब खुला हुआ। लेकिन अगर ये हुआ कि मैं आपसे खुला चाहती हूँ, शोहर कह रहा ठीक है अगर खुला चाहती हो तो चलो खुला का प्रोसेस कर लो जैसी आपकी मर्जी, तो अभी खुला हुआ नहीं, उसका माल भी उसके प्रोसेस का हिस्सा है। तो वो शोहर गोया कि इब्तदाई तौर से अपनी रजामंदी जाहिर कर रहा कि हाँ अगर आपको चाहिए ही तो ठीक है हम लोग तय कर लेते हैं उसको, तो ये खुला नहीं हुआ। जब वो शोहर बोलेगा कि मैंने हाँ मैंने आपको खुला दिया या मैंने आपको तलाक दिया, तब वो खुला होगा।